जाने समझे ज्ञान वास्तु शास्त्र का पृथ्वी अग्नि जल वायु स्थान आकाश का ओम वास्तु पुरुषाय नमो नमः। खुद ही समझो खुद ही जानो कहता है क्या घर आपका। ये तीन जो है जल तत्व है, इन जल तत्वों के अंदर आपको जल को स्थापित करना है। तो जल को अगर स्थापित करना है तो सबसे अच्छा क्या हो सकता है, तो गंगा मैया, ठीक है। क्योंकि गंगा मैया को हम नापते नहीं है लीटरों में, हम ये नहीं कहते एक लीटर गंगा मैया या दो लीटर गंगा मैया या 10,000 लीटर गंगा मैया। गंगा मैया मतलब पूरे जहां का पानी उसके अंदर आ गया। कोने में नहीं डालना है, कोने से 7 फुट कोने से 5 फुट हटके डालना है, यहाँ सेंटर में डालना है ये, ठीक है। ये जब मैं सेंटर कहता हूँ तो इसका मतलब है कि मैं नॉर्थ को यहाँ गिनता हूँ। अगर आपका नॉर्थ यूं जा रहा है तो आपका पश्चिम यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अगर आपका नॉर्थ यहाँ आ रहा है तो आपका पश्चिम यहाँ आ जाएगा, तो फिर यहाँ डालना है। ये जो बातें की जा रही है वो इस अनुमान से की जा रही है कि आपका नॉर्थ सीधा है, लेकिन अगर नॉर्थ टेढ़ा होगा तो पश्चिम भी टेढ़ा हो जाएगा। अगर नॉर्थ यहाँ आ गया तो पश्चिम यहाँ से यहाँ चला जाएगा ना, नहीं समझे? समझ गए, ठीक है ना जी। इसको ध्यान में रखना है। तो मकान के सेंटर में खड़े रह करके कंपास पकड़ना है और चेक करना है कि वेस्ट कहाँ है, चेक करना है कि नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट कहाँ है, चेक करना है कि ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट कहाँ है, ठीक है। तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट किसे कहेंगे, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट किसे कहेंगे हम, ये मैं जरा बता देता हूं। ये नॉर्थ ईस्ट, ये ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। तो यहां से यहां तक ये इतना जो है वो नॉर्थ है और नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट ये है, ठीक है। फिर ईस्ट जो है वो यहां तक है, तो ये क्या है, ये ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है। तो यहां यहां, ठीक है ना, तो इतना जो है ये पूरा नॉर्थ ईस्ट है आपका, ठीक है ना। तो आपको नॉर्थ से तुरंत बाद यहाँ नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में यहाँ आपको डालना है क्या, गंगा जी की लोटी, ठीक है ना। तो ताकि ये जो वास्तु पुरुष का जो सिर है, वो वास्तु पुरुष का सिर और उसका कंधा, फिर उसकी कोहनी, उसका घुटना, तो ये जो जगह है खाली जगह, इस खाली जगह में गंगा जी उतारना है। ज्ञानी जी, पानी की टंकी होने से क्या होगा, आपने सारी बातें बता दी, लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या ये नियम जो आपने बताया सोक पिट और सेप्टिक टैंक के लिए भी लागू होता है? बिल्कुल बिल्कुल, हमने बताया कि वहाँ पानी तत्व नहीं होना चाहिए, तो आपकी पानी की टंकी, पानी का बोर, सोकपिट, सेप्टिक टैंक ये नहीं ही होना चाहिए। अब तकलीफ ये होती है कि हिंदुस्तान में मैं समझता हूँ 80% हिंदुस्तान का हिस्सा ड्रेनेज लाइन नहीं है उसमें। आज भी आज़ादी को 1964 आज़ादी को 64 साल हो गया, लेकिन आज हिंदुस्तान में 70-80% जगहों पर ड्रेनेज लाइन की सिस्टम ही नहीं है, तो सेप्टिक टैंक और सोकपिट पर ही चलता है सबका, हर किसी को अपना बनाना पड़ता है, और इन लोगों को पास जो जगह दिखती है जाहिर है वहीं बनाते हैं। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग गई, बड़े बड़े रोड बन गए, ठीक है, एक ड्रेनेज सिस्टम की इंफ्रास्ट्रक्चर किसी का ध्यान ही नहीं है। आप समझो, हर एक आदमी अगर अपने घर में ड्रेनेज लाइन, सेप्टिक टैंक और सोकपिट बनाता है तो 50,000 का खर्चा है, तो कितने सारे मकान है, हर किसी को ये 50,000 का खर्चा। लेकिन अगर सरकार बनाएगी तो मैं समझता हूँ कि प्रति घर 5,000 का भी खर्चा नहीं होगा, आप समझे, तो वो उसे कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये होना चाहिए, तो ये तो वो बात हो गई कि ड्रेनेज लाइन आप खुद की बनाओ, फिर वो हो जाएगा कि अस्पताल भी आप खुद का घर में एक डॉक्टर रख लो, ठीक है, तो स्कूल भी एक घर में खुद का ही रख लो, तो ये तो कॉस्टली पड़ जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर स्कूल आम है, अस्पताल आम है, तो ड्रेनेज लाइन भी आम होनी ही चाहिए, बहुत बेसिक है ये। और आपकी जानकारी के लिए, ये सेप्टिक टैंक और सोकपिट कई सारे लोग ऐसे हैं जिनकी गलत जगहों पर आती हैं, किसी का अग्नि कोने में आ गया, किसी का नैऋत्य में आ गया, किसी का दक्षिण में आ गया, ये तीनों दिशाओं में लोग कभी भी पैसा बचा नहीं पाते। हमारी कई सारी दरिद्रताओं की जो कारण है वो पानी तत्व ही है।
हमारे देश में कई लोग ऐसे हैं जो सक्षम हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाते क्योंकि उनके घर में जो पानी के संग्रह हैं, सोकपीट का संग्रह है, मल का जो संग्रह है, वो गलत दिशाओं में आ जाता है, फिर रोग आ जाता है, अस्थिरता आ जाती है, और इसी से भी दरिद्रता नहीं जाती है। ये मैं समझता हूँ कि बहुत दुखदायी बात है। प्रभु जब करेंगे, अगर पूरे देश में ड्रेनेज लाइन आ गई तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी व्यवस्था होगी। आप कुछ पूछ रही थी। जी बिल्कुल, मैं चाहूंगी अब हम नैऋत्य को थोड़ा सा और गहरे से जानने की कोशिश करें, ये जानने की कोशिश करें कि अगर नैऋत्य कोना कट जाए या बढ़ जाए तो क्या होगा। नैऋत्य कोना कट जाए या नैऋत्य कोना बढ़ जाए, तो ओरिजिनली आपका साउथ वेस्ट यहाँ है, अब वो आकर के यहाँ बैठ गया, ठीक है, तो यहाँ पर राहु महाराज है। राहु महाराज कहते हैं मेरे पास मेरी जगह तो है ही, लेकिन मेरे पास कुछ ज्यादा जगह भी है जी, जो गुरु के पास नहीं है, जो शुक्र के पास नहीं है, जो चंद्र के पास नहीं है, तो ये घर मेरा है। क्यों? क्योंकि इस घर में ज्यादा जगह का हकदार मैं हूं, इसलिए ये घर मेरा है, और चूंकि मेरा कार्यक्षेत्र दुर्गति देना है, इसलिए मैं इस घर में रहने वालों को दुर्गति दूंगा। तो जब नैऋत्य कोण पश्चिम की तरफ बढ़ जाता है, वेस्ट की तरफ बढ़ जाता है, साउथ वेस्ट कॉर्नर, तो इसे हम कहते हैं व्यय का कारक। ये व्यय का कारक है, ठीक है, ठीक है, ओके जी। तो ये व्यय कैसे देता है? ये बहुत धोखा देने वाला व्यय देता है। इसकी जो चाल है वो कुछ इस तरह से है कि ये आपकी न्यूट्रल लाइन है, ये आपकी लाइफ है, ये आपका जीवन है, न्यूट्रल भाई, सब सही चल रहा है। फिर यहां से आप प्रगति करते हैं और यहां से आप दुर्गति देखते हैं, फिर आप प्रगति करते हैं, फिर आप दुर्गति देखते हैं, फिर आप प्रगति करते हैं, फिर आप दुर्गति देखते हैं, फिर आप प्रगति करते हैं, फिर आप दुर्गति देखते हैं। ये इसकी इस तरह से ये चाल है, 15 साल की चाल। ये व्यय कहाँ देता है तो मैं आपको बता दूं कि रिश्ते नातों का व्यय ये देता है, पैसों का व्यय ये देता है, पढ़ाई का व्यय ये देता है, नाम का व्यय ये देता है, बिजनेस का, नौकरी में व्यय ये देता है, मतलब हर चीज को आपके गिरा देगा। ये 15 साल की चाल है इसकी। हर 2.5 साल के अंदर ये फ्लक्चुएशन आप देखोगे। हर बार आप ऊपर गए, कहाँ गए? ऊपर गए, और हर बार आप नीचे गए तो यहां गए, ठीक है। तो क्या होता है कि आप ऊपर गए फिर नीचे आ गए, ये 2.5 साल की चाल हुई जी। इतने में आप फिर एक बार ऊपर चले गए, और इस बार इतने कितने ऊपर गए, इससे और ऊपर चले गए। तो आपको लगता है कि चलो मेरे ग्रह अच्छे हो गए, मैं वापस ऊपर आ गया, फिर एक बार गिरा देता है। लेकिन अब की बार कितना गिराया? पहले गिराया था उससे ज्यादा गिराया। फिर एक बार आपको ऊपर ले जाता है, कहाँ ले गया? इससे और इससे और ऊपर ले गया। फिर जब गिराया तो इससे और इससे ज्यादा गिराया, फिर आपको ऊपर ले गया, फिर गिराया। लेकिन अब ये जो गैप हो गई है वो इतनी वाइड गैप हो गई है कि इस गैप को आप नहीं भर पाते। मतलब ये नहीं, मैं तो कहता हूं ये जो गैप हो गई है ये इतनी वाइड हो गई है कि अब आप इसको भर नहीं पाते। समझो आपकी पान की दुकान है, या समझो आपकी एक कपड़े की दुकान है, या आपकी एक इंडस्ट्री है। अब हर बिजनेस की एक क्षमता होती है कि ये फैक्ट्री अगर 24 घंटा 365 दिन चलेगी तो ये महीने का ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रुपया कमा सकती है, ठीक है। इसके बाहर इसकी अब कैपेसिटी नहीं है। मैक्सिमम 24 घंटा भी चल रही है, 365 दिन भी चल रही है, और बहुत अच्छी चल रही है। तो इसकी क्षमता है कि ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रुपया महीना, 24 लाख रुपया सालाना। अब आपकी जो गैप है ये 36 लाख की है सालाना जी। तो आप कितना भी जोर मार लोगे तो 12 लाख तो आपका ब्याज देना का बाकी रह जाएगा। तो अब ये 12 लाख का ब्याज, फिर उसका ब्याज, फिर उसका ब्याज, मतलब अब आप इस गैप को भर सकने की क्षमता आपकी नहीं है। आप कितना भी जोर मार लोगे ये गैप अब इतनी बड़ी हो गई, ये खड्डा अब इतना बड़ा हो गया, अब ये भरा जाएगा नहीं। मतलब आपको हर बार ऊपर नीचे करके इसने धोखा दिया, रिश्तों में भी दिया, फाइनेंस में भी दिया, हेल्थ में भी दिया, और हर चीज में दिया, ठीक है। तो ये जो है
ये 15 साल के बाद आंख खोलता है, और जब 15 साल के बाद आपकी आंख खुलती है तो आपको पता चलता है, अरे बाप रे, न तो मेरे पास दोस्त है, न मेरे पास रिश्तेदार है, न मेरे पास हेल्थ है, न मेरे पास बिजनेस है, न मेरे पास पैसा है, मैं अब तबाह हो गया हूं। ठीक है, तो ये एक्सटेंशन जो है ये आपको धोखा देने वाला एक्सटेंशन है। अगर ऐसी व्यवस्था है तो यहां से यहां तांबे का तार डाल देना है, 6.25 mm का तांबे का तार डालना है, और यहां चांदी, यहां सागवान, यहां मोती, यहां सेवन की कील लगा के ये फ्रेम बांधनी है, और यहां तार आपको जरूर डालना है। ठीक है, मंगलवार को ये काम नहीं करना है। गुरुदेव दादाजी को याद करना है, अपने कुल देवी माँ को आगे करना है, और आगे करके आपका काम करना है तार डालने का, चार कोने बांधने का। तार तो हमने बांध ही दिया ज्ञानी जी, फ्रेम तो हमारी बनी गई, तो फिर ये चांदी मोती डालने का क्या मतलब? फ्रेम कहाँ से बांध दिया आपने? फ्रेम तो एडिशनल सपोर्ट है ना, आपने तार डाला है, ये जो चार कोने आप बांध रहे हैं ये एडिशनल सपोर्ट है, आपको एडिशनल सपोर्ट तो देना ही देना है। अच्छा, आप समझेगी नहीं, कृष्ण भगवान जब कंस को मारने गए तो बलराम को साथ लेकर गए ना, राम जी भगवान जब रावण को मारने गए तो एडिशनल सपोर्ट हनुमान जी को लेकर गए ना, वो अकेले भी मार सकते थे, पर जब ऊर्जाओं के साथ आप खेलते हैं तो एडिशनल सपोर्ट आपको चाहिए। ठीक है ना, तो आपको एडिशनल सपोर्ट तो देने ही देने हैं, जितना कर लो अच्छा है, कम है मैं नहीं कहूंगा, पर जितना भी करो ज्यादा वो अच्छा ही है। ओके, तो जब नैऋत्य कोण पश्चिम में बढ़ जाता है तब नैऋत्य कोण आपको 15 साल के बाद आपकी नींद खोलेगा कि भैया मेरे पास अब कुछ नहीं है, अब मुझे कुछ हाथ पांव चलाने पड़ेंगे, कुछ करना पड़ेगा जिससे कि मैं इसका निवारण करूं। तो वो 15 साल का इंतजार ना करो, अगर हो गया है तो ये निवारण करो, अगर 15 साल पूरा नहीं हुआ है तो भी ये निवारण करो, क्योंकि 15 साल के बाद ये नतीजा आने वाला है। अब ये एक तो मैंने बताया कि प्लॉट में ऐसे बढ़ गया, एक ऐसे भी बढ़ सकता है। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, फर्ज कर लो उनका ये प्लॉट है, तो उनका यहां खुला था, यहां खुला था, यहां खुला है, तो वो क्या करते हैं कि यहां एक बाथरूम बना लेते हैं, यहां से दरवाजा दे देते हैं। तो आपने क्या किया, नैऋत्य कोण यहां से उठा के यहां बांधा, तो आपने पश्चिम में बढ़ा दिया, यहां आपने कोई स्टोर बना दिया, यहां टॉयलेट बाथरूम बना दिया, यहां कई लोग रसोई भी बना देते हैं यहां पर, कि स्पेस छोटी हो रही है, चलो क्यों ना कुछ कर लिया जाए थोड़ा। ठीक है, ये नहीं करना है, ये है तो यहां तार बांधना है, सागवान, चांदी, मोती, सेवन। ठीक है, इसको तोड़ दो, उसके जैसा कुछ भी नहीं। ठीक, लेकिन अगर नहीं तोड़ते हो, घर में कुछ लोग आपको नहीं अलाउ करते हैं, कोई बात नहीं, यहां तार डाल दो। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपने यहां कंस्ट्रक्शन करके अपना पृथ्वी तत्व बांध दिया है। हमने क्या कहा, कॉर्नर्स पे नो कंस्ट्रक्शन, क्या कहा है, नैऋत्य वायु ईशान अग्नि, कॉर्नर्स में कंस्ट्रक्शन नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है। आपने तार बांध दिया, एक त्रिशूल लगा दिया, फाइन, चार कोने बांध दिए, फाइन, लेकिन आपकी कंस्ट्रक्शन कहाँ है, आज भी पांव के बल है, आपने अपने पांव को बांधा हुआ है, तो नौ धान वाला जो कर्म है वो करना है, नौ प्रकार के अनाज यहां रख करके 500 ग्राम ढेर रख लगाना है, शाम को पूरी रात रहने देना है, सवेरे इकट्ठा करके किसी गरीब को दे देना है, नहीं समझ में आए तो ओपन ग्राउंड में डाल देना है। तो नौ प्रकार के अलग अलग अनाज फर्श पर यहां ढेर लगा करके, चाहे 500 ग्राम ले लो, चाहे 1.25 किलो ले लो, ये इसका निवारण है। ठीक है, ये करके आप ग्राउंड में फेंक दो, चाहे आप किसी गरीब को दे दो, एक ही बार करना है। ठीक है, इसको तोड़ दो, उसके जैसा कुछ भी नहीं। ओके, तो अगर इस तरह का भी आपका कंस्ट्रक्शन है जो आपने नैऋत्य पश्चिम में बढ़ाया है तो वो आपके लिए हानिकारक है। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं कि यहां उनका किचन है जी। तो वो क्या करते हैं, यहां पर पानी की टंकी बनी हुई है एक जमीन के ऊपर, यहां चौकड़ी बनी हुई है, तो वो क्या करते हैं, यहां से यहां तक टीन शेड डाल देते हैं। ठीक है, टीन शेड डाला तो क्या हुआ, फिर भी ये एक्सटेंशन ही हुआ।
कोई कमरा नहीं बनाया लेकिन टीन शेड डाल दिया यहाँ, पड़ोसी ने यहाँ डाला, इसने यहाँ डाला, इसने यहाँ डाला, तो मैंने भी ये कर दिया, ठीक है, ये भी एक्सटेंशन में माना जाएगा। कुछ लोग क्या है कि कामवाली बाई जब यहाँ बर्तन बर्तन धोती है तो टीन शेड डाल देते हैं, इसलिए कि उसको बरसात और धूप नहीं लगे, और आप यहाँ ग्रिल भी लगा देते हैं और ये ग्रिल का दरवाजा भी देते हैं यहाँ से, और ताकि यहाँ एक सिलेंडर पड़ा होता है, वॉशिंग मशीन पड़ी होती है, रसोई का अनेक सामान यहाँ पड़ा होता है, तो उसको एक रूम जैसा बना देते हैं, लेकिन ग्रिल का बनाते हैं, दीवार का नहीं, वो लोहे की जाली का बनाते हैं, तो ये भी एक्सटेंशन में माना जाएगा। अगर ऐसा है तो इसी मटेरियल को इस्तेमाल करना है, लेकिन इसको नैऋत्य में न करके इसकी मटेरियल को फैब्रिकेटर को बुला के बोलना है, भाई कोई लोहा बाहर से नहीं लाना है, कोई टीन पत्थर बाहर से नहीं लाना है, इसी को काट पीट करके वापस जोड़ना है और वो यहाँ करना है पश्चिम में। अगर आप भी पूज्य दादाजी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखने वाले नंबर पर अपनी समस्या या रोग बताकर परम गुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। ये सेवा निःशुल्क है। हमारा पता है वास्तु एसोसिएट्स, 65 संपत राव कॉलोनी, RC दत्त रोड, वडोदरा, गुजरात। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं 09879108652 53 54 60 61 6263 और 09250480 11। हमारा फोन नंबर है 02652 35 4112। हमारा टेलीफैक्स नंबर है 02652 35 4113। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है महेश ज्ञानी @yahoo.com।